आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश से संबंधित खबरें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें अनेक निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व के लिए एक उदाहरण है। श्रमिक कल्याण के साथ राष्ट्रहित और राष्ट्र का वैभव बढ़ाने का संकल्प बहुत जरूरी है, ये बात भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में श्री हूस बोले के द्वारा कही गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए सोनल सूर्यवंशी की भोपाल से रिपोर्ट। पीएम स्वनिधि योजना में प्रदान की जा रही ऋण राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कही गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 जुलाई को कोयम्बटूर में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश रोड शो का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 1250 रुपये के अतिरिक्त सावन में 1 अगस्त को 250 रुपये मिलेंगे, डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि स्वावलंबन भारतीय गांवों की मुख्य शक्ति और विशेषता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भेंट किया हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग का पुरस्कार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को समर्पित है पूर्व प्रदेश देश का बजट। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करना समाज को प्रेरित करना है, सभी वर्गों का के कल्याण पर केंद्रित है केंद्रीय बजट, राजेंद्र शुक्ला का ये कहना था। मंत्रियों ने बजट को बहुत सराहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कलेक्टर कट्टी अभी प्रसाद को उप सचिव मध्य प्रदेश शासन बनाया गया है। दिलीप कुमार यादव कलेक्टर मंदसौर को कलेक्टर कटनी और अदिति गर्ग उप सचिव मुख्यमंत्री को कलेक्टर मंदसौर के पद पर पदस्थ किया गया है। किसानों के लिए क्रांतिकारी बजट है, ये कहना था एहनल सिंह कंशाना का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक का को संबोधित किया गया, उसमें उनके द्वारा अनेक निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय की बैठक में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना सहित अनेक योजनाओं के संबंध में उनके द्वारा चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित कुंजी लाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार आज प्रतिभागियों को प्रदान किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर के द्वारा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा इस अवसर पर संबोधित किया गया वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में। आइए सुनते हैं क्या। गतिविधियाँ की जिसमें युवा संसद मंचन, निबंध, वाद विवाद, संसदीय प्रश्न मंच, चित्रकला इत्यादि विधाओं में अलग अलग हमारे मित्रों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। जब संसदीय की बात करेंगे तो गुप्ता जी ने सही कहा कि जनपदों की रचना से हम इस पर जाएंगे। 16 जनपद हमारे यहाँ थे और जनपदों की रचना से ही और आगे बढ़े। कुछ ऐसे हमारे पास उदाहरण भी ध्यान में आते हैं जिस उदाहरणों के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन तो होते देखा, लेकिन सत्ता के परिवर्तन में परिवर्तनकर्ता ने अपना कोई स्थान नहीं बनाया। वो कौन से उदाहरण है तो वो ध्यान में आते हैं 5000 साल पहले कंस के वध के बाद भगवान कृष्ण का सत्ता में शीर्ष पे न बैठना हम सबको ध्यान में आता है। वो अवसर ऐसा था, उसके पहले के अवसरों का उदाहरण शायद न मिले कि एक बार तो सत्ता की सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठे व्यक्ति को, जिसको सरल भाषा में कहा जाए कि तख्ता पलटता है, लेकिन तख्ता पलटने जहाँ समाज जो चाहता है, समाज की इच्छा शक्ति का जो मन है उसका प्रतिबिंब उसका उदाहरण बनता है वो भगवान कृष्ण। परिवर्तन तो परिवाहक तो बनते हैं लेकिन सत्ता के सूत्र हाथ में नहीं रखते। ये वही उदाहरण है जो उस काल में कई बार और दोहराया है। उस काल को और आगे बढ़ के देखोगे जब वो दोबारा
अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए प्रभास पाठक के क्षेत्र में जाते हैं। कृष्ण भगवान पुनः अपने गुरु के आतंकवादी से मुक्ति करके अपने गुरु की प्रदक्षिणा तो ले लेते हैं, उनके पुत्र को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहां के राजा रेवत को फिर वहां की सत्ता देते हैं। तो योग्यता और अयोग्यता के बीच का प्रकरण आप याद करिए, 1923 का घटनाक्रम, जब ICS की परीक्षा नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रावीण्य सूची में पास करते हैं, ये उस समय का उदाहरण बनता है। आज भी कोई IAS की एग्जाम पास कर ले और वो नौकरी को लात मार दे, बिरले उदाहरण होंगे। लेकिन वो अंग्रेजों के उस दौर में 1923 में ना केवल पास होते हैं, प्रावीण्य सूची में आते हैं, लेकिन इस बात के लिए कि मैं मेरे देश के लिए अपनी इस पूरे देश की इज्जत के लिए लड़ रहा हूं, उस बात को रेखांकित करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कोई लाभ न लेते, उनने युवाओं के सामने प्रेरणा का एक बड़ा उदाहरण पेश किया। ये उदाहरणों की श्रृंखला लगातार चलती रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता के लिए आजादी ऐसे नहीं मिली, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पद से हटाने का निर्णय हो जाता। जब निर्णय होता है तो स्वाभाविक रूप से उनको पद से त्याग पत्र देना चाहिए। अगर हाईकोर्ट ने निर्णय किया तो गलत किया, लेकिन उसके बजाय उनको पद छोड़ने के देश में आपातकाल छोड़ देते हैं। अब आपातकाल छोड़ देते तो फिर मैं युवाओं को बधाई देना चाहूँ, इस देश के युवाओं ने सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की जो आग जलाई रखी, इसी से हमारी लड़ाई लड़ती थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन होता है, समूचा विपक्ष सहित युवाओं की ताकत आती है, अंततः दिल्ली घुटने टेकती है, सरकार बनती है, आपातकाल हटता है। ये गौरवशाली इतिहास ये अपने लोकतंत्र का सम्मान है। चुनाव का महत्व क्या है, जनता की इच्छा क्या है, देश की धड़कन युवाओं के साथ धड़कते हुए ऐसे होने वाले अन्याय में जो प्रतिकार करती है, वो कभी चंद्रशेखर आजाद में दिखाई देता, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस में दिखाई देता। और ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि चाय बेचने वाला हमारे देश में प्रधानमंत्री बनता है, हमारे लिए गौरवशाली। संसदीय पुरस्कार में ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है, मेरी अपनी ओर से आपने बहुत अच्छा आयोजन किया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मध्य प्रदेश से संबंधित खबरें आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा अभी कुंजीलाल दुबे पुरस्कार प्रदान किए गए। चेतन कुमार कश्यप ने रैंप प्रोजेक्ट के संबंध में बैठक ली। कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय बजट की समीक्षा एवं प्रदेश की अवैध कॉलोनियों के संबंध में चर्चा की। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के मध्य प्रदेश से संबंधित समाचार। ये समाचार हम आपको मंगलवार 23 जुलाई 2024 के मध्य प्रदेश से संबंधित बता रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए सोनल सूर्यवंशी की भोपाल ब्यूरो से रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद।